गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? यू आर फाइन? आई एम योर सोशल स्टडी टीचर. माय नेम इज सईद अरबाब. टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट लेसन, लेसन नंबर 1. टॉपिक इज मैथ. वी विल बी डिस्कस अबाउट मैथ. व्हाट इज अ मैथ? ठीक है, लेसन नंबर 1 मैथ. A map is a drawing made to show an area of the earth. This area can be the land or the sea or both. A map shows us where one place is in relation to another place. जैसे आप लोगों ने previous classes में पढ़ा है कि map क्या है. Map तो हमारे पास वो real में नहीं होता, बल्कि हमारे पास पाकिस्तान का map है तो पाकिस्तान का कितना area है, और पाकिस्तान का map जो है हमारे पास एक छोटे से page पे होता है. तो ये जस्ट हम अपनी आसानी के लिए जो है एक पेज पे ड्रा करते हैं. ये एक ड्राइंग है हमारे पास. ठीक है, जिस तरह फर्स्ट सेंटेंस है कि अ मैप इज अ ड्राइंग मेड टू शो इन एरिया ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का हमारे पास एरिया, एरिया मींस इलाका शो करते हैं. ठीक है, दिस एरिया कैन बी द लैंड. ये हमारे पास लैंड एरिया भी हो सकती है और सीज भी हो सकते हैं. जिस तरह आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड मैप आप लोगों ने देखा है कि उसमें हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो वो हमारे पास लैंड एरिया हो गया, और हमारे पास 5 ओशंस हैं, तो वो हमारे पास सी हो गए. ठीक है, वाटर हुआ. तो अ मैप शो अस, और ये मैप जो है जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान के साथ रिलेशन है नेबरिंग कंट्रीज के. ठीक है, जिस तरह अफगानिस्तान है जो हमारे पास वेस्ट में है, ईस्ट में इंडिया है, ठीक है, नॉर्थ में जो है चाइना है, साउथ में अरेबियन सी है. तो ये सारे रिलेशन एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होती है वो शो करते हैं. जिस तरह आप लोग इस मैप में देख सकते हैं, जिस तरह ये मैप है. ठीक है, तो ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने वो की है कि ये हमारे पास मैप ऑफ पाकिस्तान है. ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग देखें ये दरमियान में जो हमारे पास बाउंड्री है, बॉर्डर्स हैं. ठीक है, जिस तरह सिंध को बलूचिस्तान से लिख किया है, पंजाब को केपीके और बलूचिस्तान से, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान, तो ये सारे हमें शो करती है कि ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास है. जैसे बलूचिस्तान का इतना एरिया है, केपीके का इतना एरिया है, पंजाब का इतना एरिया है, सिंध का इतना एरिया है. ठीक है, तो मैप जो है वो हमें शो करती है हर चीज़ के हमारे पास रेलवे लाइंस कहाँ पर है, रोड्स कहाँ पर है, मॉस कहाँ पर है, तो उसी से हम आसानी से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं. जिस तरह ऑलरेडी आप लोगों ने 3 क्लास में पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके की टीचर ने पढ़ाया होगा कि मैप क्या है, तो वो हमारे पास एक ड्राइंग है जो हम अपनी आसानी के लिए पेज पे ड्रा करते हैं, और उसी से हमें फिर नेबरिंग कंट्रीज की जो मेजर सिटीज़ है, कैपिटल सिटीज़ हैं, तो उसका आसानी से पता चल जाता है. ठीक है, फिर जो है मैप्स के हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैप्स, जिसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है जिसको बॉर्ड्स कहते हैं. ठीक है, तो ये बॉर्ड्स जो है ये जो है हमारे पास 5 वर्ड का एक फुल फॉर्म है. ठीक है, उसमें काफ़ी डिटेल है. तो बॉर्ड्स की एब्रीविएशन जो है हमारे पास क्या है? बी फॉर बॉर्डर, ओ फॉर ओरिएंटेशन, एल फॉर लेजेंड्स, सी फॉर टाइटल, एस फॉर स्केल. तो बॉर्डर्स जो हमारे पास बॉर्डर्स होते हैं. ठीक है, अभी आगे मैं डिटेल में समझाऊंगी. ओरिएंटेशन मींस डायरेक्शंस, लेजेंड्स मींस हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं, टाइटल जो हमारे पास टॉप पे होता है मैप ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड मैप. ठीक है, स्केल जिसके थ्रू हम मैप को जो है अपने लिए ड्रॉ करते हैं. एरिया ज़्यादा होता है अगर 1000 किलोमीटर है तो वो हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेते हैं. ठीक है, जिस तरह ये फर्स्ट वर्ड हमारे पास बोर्ड्स में बी है, तो बी मीन्स बॉर्डर. ठीक है, तो बॉर्डर्स का जो है ये मैप है, मैप ऑफ पाकिस्तान है. तो इसमें आप लोग देखिए जो ब्लू कलर है, ग्रीन है, ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जो है बलूचिस्तान को शो करते हैं. पर्पल जो है वो केपीके को शो करते हैं. ठीक है, तो इसमें जो दरमियान में उसको अलग किया है, ये जो कलर्स को अलग किया है ना, डिफरेंट 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 कलर्स है उसको अलग किया है, तो ये हमारे पास बॉर्डर्स हैं. जैसे इंडिया को पाकिस्तान के दरमियान जो लाइन है तो उसको क्या कहते हैं? बॉर्डर कहते हैं. ठीक है, जैसे अफगानिस्तान का और पाकिस्तान के दरमियान लाइन है तो वो भी हमारे पास बॉर्डर है, यानी एक
कंट्री को दूसरे कंट्री से अलग करना क्या चीज है? बॉर्डर है। समझ आ गई? जिसको समझना है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने साथ नोट कर लिया करें। अब सेकंड जो है हमारे पास बोर्ड्स में ओ ओ मींस ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मींस डायरेक्शन। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स डायरेक्शंस क्या है? जिस तरह हमारे पास एक तो कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं, एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन उसे कहते हैं जो हमारे पास फोर डायरेक्शन है, आप लोगों को समझ आ जाती है। जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल दे दूँ, हमारी बॉडी है, ठीक है, तो हमारा हेड जो है वो नॉर्थ है, हमारे फीट जो है, ठीक है, पाँव तो वो क्या है, साउथ है, हमारा राइट हैंड ईस्ट है और हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो वेस्ट है। तो ये हमारे पास फोर कार्डिनल डायरेक्शन है, ठीक है, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो है मैंने फोर्थ क्लास में पढ़ाया भी है, बार बार मैं बता चुकी हूँ कि कार्डिनियल डायरेक्शन क्या है और इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या है। तो हमारे पास कार्डिनियल डायरेक्शन फोर है, कौन से हैं? नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। फोर्थ में मैंने आप लोगों को एक्शन से भी बताया था कि हेड जो है वो नॉर्थ है, फीट साउथ है, राइट हैंड ईस्ट है और लेफ्ट हैंड वेस्ट है। अब जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो इनके दरमियान डायरेक्शन है, इसमें आप लोग देखें नॉर्थ ईस्ट, तो ये इंटरमीडिएट क्योंकि उसके मिड में है, इंटरमीन उसके मिड में है। फिर साउथ ईस्ट, ठीक है, फिर साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, कार्डिनियल डायरेक्शन, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो कार्डिनियल डायरेक्शन मीन्स फोर डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। समझ आ गई डायरेक्शन की? डायरेक्शन मेन चीज है जिसके थ्रू हम आप लोगों को समझ नहीं आई, ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमारे पास कंपस होता है, ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हम जो है किबला मालूम करते हैं तो कंपस से मालूम करते हैं कि जिस साइड पे मतलब नॉर्थ है तो उसी टाइप साइड पर किबला होता है, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्शन जो है टू टाइप से, एक कार्डिनियल डायरेक्शन, एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन। कार्डिनियल डायरेक्शन हमारे पास फोर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। हमारा हेड जो है नॉर्थ, हमारा फीट जो है साउथ, हमारा ईस्ट राइट हैंड और वेस्ट जो है लेफ्ट हैंड। फिर इसके जो सब टाइप्स हैं मींस के इंटरमीडिएट डायरेक्शन हैं, तो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में जो एरिया होता है तो उसको नॉर्थ ईस्ट एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। जो साउथ ईस्ट है तो उसको साउथ ईस्ट इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं, और जो नॉर्थ वेस्ट है तो वो भी हमारे पास इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, और जो साउथ वेस्ट है तो उसको भी इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? समझ आ गई? आगे नेक्स्ट है लेजेंड्स। लेजेंड्स मीन सिंबल्स, यानी मैप में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों के बगैर जो है हम मैप, अगर हमारे पास आप लोगों को मैं ब्लैंक मैप दे दूँ, जिस तरह फोर्थ क्लास में मैं बोर्ड पे ड्रा कर लेती थी मैप ऑफ पाकिस्तान, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि बलूचिस्तान कहाँ पर है, सिंध कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर है, केपीके कहाँ पर है, ठीक है, हमारे पास मेजर सिटीज कहाँ पर है, हमारा जो कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है वो कहाँ पर है। तो इन्हीं चीज़ों के जरिए हमें पता चलता है कि मैप में कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि ब्लैंक मैप से तो हमें पता नहीं चल रहा होता। जैसे लेजेंड्स मीन सिंबल, सिंबल्स हैं। अब आप लोग देखें, ये जो मैंने सिंबल्स आप लोगों के लिए ड्रॉ की है, तो इसमें जो रेलवे लाइन है तो ये मतलब ब्लैक एंड वाइट है, ये जो ब्लैक और वाइट है। फिर जो पक्की सड़कें हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास फुल लाइन ब्लैक है, फुल का सिंबल देखे, रेलवे फुल का सिंबल देखे। दरख्त किस तरह होते हैं, अगर इंसान देखे तो इंसान का सिंबल लगा बना होता है, मस्जिद का देखे तो उसमें मस्जिद का होता है, एरोप्लेन का देखे तो उसमें जो है जहाज बनी हुई होती है कि ये जो है हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, कंटूअर्स देखे।
ये सारे दरिया जो है रिवर का ये है जरकाश रकबा मीन्स जहाँ पर हम काश्तकारी कर सकते हैं, जहाँ पे फसलें हो सकती हैं। बस्ती का मतलब जहाँ पे सेटलमेंट्स होते हैं, लोग आबाद होते हैं, ठीक है। तो सिंबल्स जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दोबारा एक मैप दिखाती हूँ तो उससे आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। इसमें आप लोग कलर्स देखें तो इन कलर्स से हमें पता चल रहा है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है ना। तो अगर ये कलर्स हमारे पास नहीं होगा और ये बिल्कुल ब्लैक होगा या वाइट होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यही चीज जो है हमारे पास क्या होती है, सिंबल्स होती है जो हमें आसानी से फाइंड आउट करती है कि कौन सी जगह कहाँ पर। टाइटल, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टाइटल। टाइटल किसे कहते हैं, टाइटल जो हमारे पास हेडिंग होती है, जिस तरह हमारे पास है मैप ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह लेसन नेम होता है, ठीक है। हमारे पास लेसन है वेदर एंड क्लाइमेट, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, या हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जिस तरह हमारे पास वर्ल्ड मैप हो गया, मैप्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या होती है, टाइटल। अगर मैं मैप ऑफ पाकिस्तान आप लोगों को दे दूँ और उसमें मैं कोई चीज़ ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, और उसमें टाइटल नहीं होगा कि उसमें मैं देखूं कि मैप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो उसमें क्लाइमेट शो करे, वो टाइप क्लाइमेट ना हो, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज़ का मैप है। इंशाल्लाह मैं इसके टाइप्स फिर बताऊंगी कि जो हमारे पास फिजिकल मैप क्या है, तो उस पर उसमें होगा कि फिजिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो फिजिकल मैप ऑफ पाकिस्तान का मतलब है कि तो फिर वो फिजिकल मैप का मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर है। अभी मैं आपको नेक्स्ट उसमें स्केल करवाती हूँ कि स्केल क्या है, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है हमारा तो वो है स्केल, इस चीज़ का जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। स्केल, स्केल ऐसा है जैसे हम मैप ऑफ पाकिस्तान का इतना बड़ा पेज तो हमारे पास नहीं है कि हम उस पर पूरे पाकिस्तान का मैप ड्रॉ करें, ठीक है ना। तो उसके लिए हम स्केल बनाते हैं, जो हमारे पास 1000 किलोमीटर एरिया है तो वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल हम लेंगे, तब ही वो एक छोटे से पेज पे आएगा। इतने बड़े एरिया का हमारे पास पेज कहाँ है, एक तो बुक का पेज होता है, कॉपी पेज होता है, चार्ट होता है, ठीक है, या रूम जितना पेज चलो कर लो कि हमारे पास में वुड पे बना, लेकिन इतना बड़ा पेज तो नहीं। तो उसके लिए हम स्केल वो करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि 1000 2000 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। तो फिर स्केल के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल, लीनियर स्केल, स्टेटमेंट ऑफ स्केल एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो लीनियर स्केल है तो वो लाइन होता है, ठीक है। जो लाइन होता है तो लाइन किसे कहते हैं, आगे जो है मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह हमारे पास इसमें स्केल दिखाया गया है, ठीक है। ये जो लाइट ग्रीन सा है नीचे 0 1 2 3 4, तो ये लाइन जो है ये हमारे पास लीनियर स्केल है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर स्केल, जो एक लाइन, लीनियर का मतलब है लाइन, जो जो लाइन हमारे पास होती है कि 0 से लेकर 4 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो यही चीज जो है इसका जो सेकेंड पार्ट है हमारे पास, तो वो स्टेटमेंट ऑफ स्केल है। तो स्टेटमेंट ऑफ स्केल किसे कहते हैं, जो बयानिया होता है हमारे पास, ठीक है। यानी इस तरह मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, इसमें दिखाया गया है नीचे कि 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1 किलोमीटर के। तो यहाँ पर जो 0 से 4 किलोमीटर है तो ये इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो यही चीज है हमारे पास। फिर जो है इसमें हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है तो वो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि हमें टाइटल की समझ नहीं आई, तो टाइटल उसे कहते हैं जो हमारे पास सब हेडिंग होती है। जैसे मैप है, मैप ने मैंने मैप ड्रॉ किया, ठीक है, तो उस पे ऊपर मैं लिखूंगी कि ये कौन सा मैप है, मुझे समझ आ रही है कि ये मैप ऑफ पाकिस्तान है, तो बाकी किसी को तो समझ नहीं आ रही ना कि ये किस चीज का मैप है। तो मैं ऊपर लिखूंगी कि मैप ऑफ पाकिस्तान, इंडिया का मैप है तो ऊपर मैं लिखूंगी मैप ऑफ इंडिया,
वर्ल्ड मैप है तो मैं ऊपर लिखूंगी वर्ल्ड मैप, तो ये है हमारे पास टाइटल। इज इट क्लियर, समझ आ गई। इसके बाद जो थर्ड फॉर्म अभी मैंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन थर्ड फॉर्म ऑफ स्केल, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन उसे कहते हैं जो हमारे पास फ्रैक्शंस में होते हैं, जिस तरह आप लोगों के मैथ्स में क्वेश्चन होते हैं कि नॉमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, जो ऊपर वाला होता है उसको नॉमिनेटर्स कहते हैं, जो नीचे वाला होता है तो डिनोमिनेटर। आप लोग आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि मैथ्स की टीचर ने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर करवाया है, फोर्थ में भी आपको करवाया गया है, थ्री में भी करवाया गया है। तो वन डबल डॉट जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है, तो ये वन जो है इक्वल है इतने एरिया का, ठीक है, या फिर हम जो है इसको 1/257/440 में भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होती है जिसे हम आसानी से मैप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है हमारे पास मैप बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें एक एरिया जो है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव एनी प्रॉब्लम, किसी को अगर समझ ना ही हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो है ब्रीफली दोबारा करवा रही हूँ कि इसमें क्या है मैप। जो हमारे पास मेन टॉपिक है लेसन नंबर वन वो है मैप। मैप जो है वो हमारे पास एक ड्राइंग है जो हम एक छोटे से आम से पेज पे ड्रॉ करते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एरिया होता है और उसको एक छोटे से पेज पे जो है हम किस तरह लाएंगे, तो वो हम मैप के थ्रू लाते हैं। इसके एलिमेंट्स हैं मैप्स के, कितने एलिमेंट्स हैं, फाइव हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मैप जो है वो है फाइव है। फर्स्ट वन जो है बॉर्डर, सेकेंड ओरिएंटेशन, थर्ड लेजेंड, फोर्थ टाइटल एंड फिफ्थ स्केल, ठीक है। तो बॉर्डर मीन जो जो बॉर्डर है तो उसको बॉर्डर जो इलाके को एक दूसरे से अलग करते हैं, ओरिएंटेशन डायरेक्शंस होते हैं, लेजेंड जो है सिंबल्स होते हैं, टाइटल जो हमारे पास टॉपिक होता है, और स्केल जिसके थ्रू हम मैप को एक बड़े से एरिया को एक छोटे से पेज पे ले आते हैं, तो उसको कहते हैं स्केल। आज के लिए इतना काफी है, अगर समझ नहीं आए तो आप लोग इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हाफिज़।